जोशीमठ सिंकिंग जेपी कॉलोनी में फूटे अज्ञात झरने में छुपा है। जोशीमठ के धंसने का रहस्य हैरान कर देगा, ये सच। शहर के सबसे निचले हिस्से में बसी जेपी कॉलोनी में फूटे झरने में शहर के घरों की दीवारों के दरकने, जमीन फटने और सड़कों के धंसने का रहस्य छुपा है। ये जमीन के नीचे जमा पानी है जो शहर में बने घरों, होटलों और भवनों की बुनियाद को खोखला कर रहा है। हैरत की बात यह है कि तबाही के मुहाने पर सीढ़ीदार ढंग से बसे इस शहर में कोई सरकार ड्रेनेज सिस्टम का इंतजाम नहीं कर पाई। बरसात का कुछ पानी ढलान पर बसे इस शहर में ऊपर से नीचे उतरता हुआ नीचे बह रही अलकनंदा नदी में मिल जाता है। बाकी पानी शहर की उस धरती में रिसता रहता है जो ग्लेशियर से बहाकर लाए गए लूज बोल्डर और मिट्टी के मलबे से बनी है। आधुनिक टाउनशिप के रूप में बसी जेपी कॉलोनी में जब सब लोग गहरी नींद में सो रहे थे, तब गत जनवरी के 2 से 3 की रात अचानक एक झरना फूट पड़ा। झरने का मटमैला पानी दिन रात लगातार बह रहा है। विशेषज्ञों की टीम हैरत में है कि इतनी तेज बहाव से झरना आखिर कहां से प्रकट हो गया। जोशीमठ में बिजली घरों पर भी भूधंसाव का खतरा आ रहा है। इस खतरे को भांपने और इसका पहले ही उपाय करने को लेकर यूपीसीएल के एमडी अनिल कुमार ने चीफ इंजीनियर की अगुवाई में टीम रवाना कर दी है। यूपीसीएल के एमडी अनिल कुमार ने बताया कि एक सब स्टेशन और अन्य बिजली घर ज्यादातर हाईवे के निकट हैं।